एलिमेंट्री लेवल पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमने डिस्कस किया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक टर्म आता है करंट डेंसिटी, इसको देख लेते हैं। करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें इधर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अगर आपने इधर क्या कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये एरिया वेक्टर होता है ए, ठीक है, एरिया वेक्टर ए होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना इसका ए है, ठीक है। अब होता है एरिया वेक्टर को मैंने आपका एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर ये बोर्ड आपका सरफेस एरिया रखता है तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया, तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होती है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा एरिया वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या अंदर या बाहर। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका करंट इधर की तरफ जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया था कितना ए, तो करंट डेंसिटी क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया आई बाई ए, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो गया आपका करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है, यानी कि जे इक्वल्स टू आई आई ए, ये हो जाता है क्या फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, यानी जे आपका क्या हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि ये एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है हमेशा, इसलिए क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब यहां से जैसे आपको पता है कि एस आई इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा था एन ई ए वी डी, आई इक्वल्स टू क्या था एन ई ए वी डी था, सो J इक्वल्स टू इसकी जब यहां पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में चले जाइए तो क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो J इक्वल्स टू क्या हो गया एन ई वी डी, ठीक। अब यहां एन ई जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एन ई क्या है आपका चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है कैरियर इसको मेंशन करते हैं कैरियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है आपका एन ई जो है वो क्या है कैरियर चार्ज डेंसिटी, तो ये होता है आपका करंट डेंसिटी, क्लियर। डेंसिटी के बारे में जाना ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट्री लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी तक, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ को प्रूफ करना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ठीक, और ये लगभग मान के चलिए कि हर 10 बार में 8 बार आया हुआ है, इसे 10 बार बोर्ड के पेपर में आपका 8 से 7 बार जरूर आता है, ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन में लेकर के करेगा लेकिन देता जरूर है अक्सर ही आता है। तो प्रूफ किसका है ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ जे एंड ई, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जे और ई के टर्म, ठीक है, देखिए आपके पास पता क्या है ओम्स लॉ इसका प्रूफ है एज वी नो, क्या जानते हैं भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है और यहां पर लिख दीजिए
I equals to V by R, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। और सो और क्या जानते हैं आप, अभी आपने करंट डेंसिटी पढ़ा, तो J equals to क्या होता है, I by A होता है, और I equals to J A, ये क्वेश्चन सेकेंड आपने डाल दिया, ठीक, I equals to J A। एंड एक और चीज मैं आपको जब एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ा रहा था तो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि V by L। Also, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L देता है, E इक्वल टू क्या होगा, V by L। अब क्या कीजिए, यहां से देखिए और देखिए, और V इक्वल टू E इनटू L, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया। अब क्या कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में I और V है, यहां से आपको सेकंड इक्वेशन से I मिल रहा है, थर्ड इक्वेशन से V मिल रहा है, इन दोनों इक्वेशन को उठा कर यहां पुट कर दीजिए पहले इक्वेशन में, हो गया प्रूफ। देखिए कितना आसान है, तीन नंबर में आता है, ठीक, एकदम आसान है। देखिए हमने क्या किया, पुट द वैल्यूज ऑफ आई एंड वी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड और थर्ड से उठा करके कहां पुट कर दिया, फर्स्ट में किया, तो क्या मिल जाएगा भाई, देखिए आई की जगह पे आप पुट करते हैं क्या, जे ए, तो जे ए इक्वल्स टू बी के लिए क्या लिखा था, ई एल, तो ई इंटू एल अपॉन आर, ये मिला। अब क्या कीजिए, जे को इधर भेजिए, सॉरी ए को इधर भेजिए, और जे इक्वल्स टू ई इंटू एल अपॉन आर ए, ठीक। अच्छा ये चीज समझ में आया, यहां मिले। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज एल बाई आर ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था रेसिस्टिविटी का, रो इक्वल टू आर ए बाई एल पढ़े थे, एस रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये आपने पढ़ा था, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एल बाई आर ए होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं वन बाई रो, क्लियर। सो J equals to E upon rho, ये मिला। अब वन बाई रो क्या पढ़ा था आपने, सिग्मा कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, तो यहां कर दीजिए, और J equals to सिग्मा into E, ठीक है, ये मिला आपको, यहां कर लीजिए सिग्मा क्या था, वन बाई रो था, ये प्रूव हो गया। ओम्स लॉ यहां पे लाके आपको छोड़ना है तीन नंबर के लिए, ठीक है, एक बार सुनिए कितना आसान है, देखिए ओम्स लॉ प्रूव करना है, जे और ई के, मतलब आपको दो और फॉर्मूले जे और ई वाला याद रखना है, ओम्स लॉ तो है ही है, ओम्स लॉ इक्वल्स वी इक्वल्स टू आई आर रखा, अब यहां आई और आर वी की वैल्यू, आई और वी की वैल्यू आपको इन दोनों के फॉर्मूले से निकाल के रखना है, ठीक, तो जे का फॉर्मूला आई बाई ए, आई यहां से निकाल लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था, वी बाई एल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यहां से वी को उठाया, इन दोनों को उठा के यहां पुट कर दिया, काम खत्म, ये हो गया प्रूफ आपका तैयार, ठीक है। तो यहां तक ये काफी चीजें आपको, दो डेरिवेशन मैंने आपको बताया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक करंट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ वेलोसिटी और दूसरा ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ जे एंड ई, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए ओम्स लॉ हम पढ़ रहे थे दो अलग अलग तरीकों से, हमने देखा एक तो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ा कि V इक्वल्स टू आई आर, वहां से पढ़े थे, दूसरा हमने ओम्स लॉ निकाल, ओम्स लॉ प्रूफ किया इन टर्म्स ऑफ जे एंड ई यानी करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में प्रूफ किया। अब जो ओरिजिनल ओम्स लॉ जिसको हम कहते हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो डेफिनेशन था, रिलेशन था, अब एक्चुअल ओम्स लॉ यानी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सब इंपॉर्टेंट ही करें, तो भाई अब है तो है, पढ़िए।
देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देखेंगे, ठीक। इसको देखिए, आपको ये रिलेशन याद, कुछ रिलेशन याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि आई इक्वल टू एल ई ए वी डी, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, इसका यूज पड़ेगा। देखिए वही चीज मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं, समझिए कि जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो इसमें बना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, कितना बना V बाई L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर था, इसमें करंट चला गया I, ठीक, पोटेंशियल V, क्लियर। वो क्या रहा था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसको मिल रहा था तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ये है आपका, इधर की तरफ क्या लगा, फोर्स लगा, भागा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग है। अब फोर्स अगर निकला तो कुछ मास भी होगा, तो उसका कुछ एक्सीलरेशन भी निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, फोर्स लगा रहे तो उसके पास न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा F इक्वल्स टू एमए वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा बताइए, F इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू E होगा, ये फोर्स होगा। तो कह रहे हैं इफ एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, देन एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, एफ बाई एम, और ए इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा क्या, ई इंटू ई बाई एम, आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के से इतना एक्सेलरेशन मिलेगा, इधर की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, दो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि क्या क्या होता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से, हमने क्या किया, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है, ठीक। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों क्या हुए, टकरा रहे, तो जब टकरा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस चल रहे हैं ना, ये वाला कुछ डिस्टेंस चल के गया इसके पास, तो यहां से यहां तक जाने में इसको कोई और इलेक्ट्रॉन ने मेरे टकराया नहीं, यानी कि फ्रीली ट्रेवल किया, तो उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं, यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या हुआ, मीन फ्री पाथ, यहां से यहां तक ट्रेवल करके सीधा के टकराएगा, ठीक। और यहां से यहां तक जाके टकराने में जो समय लगा उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करता रहता है अंदर, कोलिजन बहुत ज्यादा होता है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया, टकरा करके दूसरे से टकराएगा, एक से टकराया, टकराने के बाद फिर दूसरे से जा रहा है टकराने, उसके बीच का जो टाइम है वो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो यहां मैं कह रहा हूं हियर लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, समझ रहे हैं, मीन फ्री पाथ यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ, और उन्हीं टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला समय क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने क्या निकाल लिया, वीडी ड्रिफ्ट, वीडी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का,
अब क्या होता है कि जब हम ये स्टडी करते हैं तो मानते हैं कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एजम्पशन, हमारा एक एजम्पशन क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक रो में खड़े हैं कंडक्टर के अंदर और सभी रेस्ट में हैं जब उसमें कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होती है, वीडी मिलता है वेलोसिटी, यही क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी भी होता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया वीडी होता है। लेट इनिशियली द इलेक्ट्रॉन आर इन रेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, रेस्ट में है, दैट इज यू इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो। एज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी हमने कितना कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी हमने इधर क्या लिया v d इक्वल्स टू जीरो प्लस a tau, tau क्या है टाइम लगा इनिशियल से फाइनल जाने में, वही चीज क्या हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, ये टर्म। अब आपको पता है एक्सेलरेशन आपने निकाला हुआ है, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन दे दिया थर्ड, क्लियर, वीडी इक्वल्स टू ए टाउ मिला। सेकंड इक्वेशन से उठा करके थर्ड में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वीडी इक्वल्स टू ई इंटू ई अपॉन एम टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला, ठीक। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आप करंट की वैल्यू को जानते हैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एस क्या होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक, ये बात समझ में आया। तो वी डी की वैल्यू को उठा कर यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है, या यहां से इक्वेट कर दिए वी डी इक्वल टू ले लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं हो जाएगा काम, ठीक है, या इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो जैसी आपकी इच्छा, या वैसे कर रहे हैं यहां इसको कर दीजिए और वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, इसको इक्वेशन फाइव दे दिए। अब दोनों इक्वेशन वी डी का ही है, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां हम क्या कर रहे हैं लिख दे रहे हैं, देखिए वी डी के लिए इक्वेशन फोर और फाइव को इक्वेट कर रहे हैं, कहेंगे From equation 4 and 5 हमें क्या मिल जाएगा भाई, e e tau upon n, हमने कहा था e capital e ये tau upon m हमने इधर कर लिया equals to ये क्या हो गया i upon n e a, i upon n e a, ठीक, ये समझ में। अब देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारे पास, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया था ई इक्वल्स टू वी बाई एल बताया था, तो ई के जगह क्या रख सकते हैं वी बाई एल रख सकते हैं, बताइए रख सकते हैं, तो हमने क्या किया ई इंटू वी टाउ अपॉन एम एल कर दिए इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई, ठीक है, यहां हमने क्या चेंज किया था कि E इक्वल्स टू हमने रखा था V बाई L रख दिए। अब ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल्स टू आई आर, यही कहता है, तो V को इधर रखिए बाकी सब को उधर भेज दीजिए, ठीक, तो आपने क्या किया और V इक्वल्स टू देखिए एम एल इधर I इंटू एम एल अपॉन यही हुआ E नीचे आ गया, यानी क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, आगे E टाउ नीचे आ गया एम एल ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहां देखिए V इक्वल टू आई आर, आई आपके पास है तो एम एल ये पूरा का पूरा टर्म, ये देखिए ये क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक, यही आपका क्या हो गया एक्चुअल ओम्स लॉ,
V इक्वल्स टू आई एम एल अपॉन एल पी स्क्वायर ए टाउ, यही हम कहते हैं इसको एक्चुअल ओम्स लॉ। ठीक, जहां से आपका आया था, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन सीख लीजिए। सो आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बात समझ में आ गया, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अच्छा अगर ये रेजिस्टेंस है तो आपने एक और चीज पढ़ा था, आर इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी के टर्म में रो ए बाई एल। ठीक है, पढ़े थे, देखिए ए को इधर भेज दीजिए, ये एक क्वेश्चन हो गया, रेजिस्टेंस आपका हो गया ये। रेजिस्टिविटी के लिए आपको क्या पता है बताइए, आर ए बाई एल। ऑल्सो देखिए एल को इधर भेज दीजिए, ए को इधर, आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू एम एम ए स्क्वायर टाउ, ये मिलेगा आपको। अब ये वैल्यू क्या है, आर ए बाई एल इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिला, एम एन स्क्वायर टाउ। ये वैल्यू एक और चीज मिला आपका रेजिस्टिविटी। ठीक, और अगर रेजिस्टिविटी मिला सो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, बताइए, सिग्मा इक्वल्स टू वन बाई रो इक्वल्स टू ये था, तो आपका हो जाएगा एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। देखिए सब चीज जो आप पढ़े थे वो वापस से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आ सकता है, हम मतलब भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये मतलब ये कह रहे हैं हो सकता है, संभावना जाहिर की जा रही है, इसको समझिए। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए एक बार आप क्या कीजिए, देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो इसको पॉज करके आप पूरा डेरिवेशन लिख लेंगे। एक आखिरी बार समझा रहा हूं चैप्टर इस टॉपिक को, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना है आपको तो क्या करेंगे, देखिए हमने एक कंडक्टर लिया, एल लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसका कितना मान लिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक पोटेंशियल लगा दिया वी, वी लगा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना वी बाई एल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई एल बना होगा तो फोर्स लगा होगा कितना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा ई इंटू ई, इधर की डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव फोर्स लगा, फोर्स लग गया मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मास है, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। वहां से हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन कितना इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लग रहा है। अब जो टर्म्स है रिलैक्सेशन टाइम्स की बात कर रहे हैं, टाउ, टाउ क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो बार इलेक्ट्रॉन का दो बार टकराने के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, और उन्हीं दो कोलिजन्स के बीच लगने वाला जो समय है, टाइम गैप है, उसको क्या कह रहे हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम मिला, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है तब, तो उसके बाद जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या कहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या मानते हैं, रेस्ट में, और अगर ऐसा है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v = u + at, और वहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम लगा टाउ, एक्सेलरेशन a मिला। अब यहां पे हमें एक रिलेशन मिल जाता है vd = a टाउ। अब vd के लिए अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां से उठा लिए, पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो क्या मिल रहा है, vd के लिए रिलेशन मिला है। अब vd और करंट का रिलेशन हमको पहले से पता था, इक्वल टू एनी vd, यहां से हमने vd निकाला, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए, जब इक्वेट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे अब आपको क्या लाना है, ये टर्म देखिए, फोर्स सॉरी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उसको हमने यहां पे पुट किया तो हमें v मिला, i मिला, v को एक तरफ कर लिए, i था, बाकी जो बच गया है वो सब का सब क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, इसी रेजिस्टेंस में हमने
रीअरेंज किया तो हमें क्या मिल गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब इसमें दो चीज बचता है क्या, इन दोनों का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं। लैम्डा, लैम्डा हमें क्या माना है, मीन फ्री पाथ, इसका डेफिनेशन लिखिए कॉपी में फटाफट लिखिए। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा लिख लेंगे, ठीक हो गया। अगर अभी हो गया है तो आगे डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन पहला लैम्डा का मीन फ्री पाथ का लिखिए, रेडी लिखिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। एक बार सुनिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मीन फ्री पाथ, ठीक। अगला डेफिनेशन किसका है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ घड़ी लीजिए और लिखिए। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब ये होता है आपका कंप्लीट, यहां तक माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी में और इसको तैयार करेंगे। यहां तक आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं आएगा पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।